हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.6। इसमें कह रहा है द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू ए वर्टिकल वॉल। ए मास ऑफ 100 केजी इज देन अटैच्ड टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। द शियर मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज 25 गीगापास्कल। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस। तो दोस्तों सपोज करो ये कोई एल्यूमिनियम का क्यूब है। ये क्या है? एल्यूमिनियम का क्यूब है, ठीक है, जिसकी एज लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वन फेस, इसका कोई भी वन फेस वर्टिकल वॉल से क्या है? फर्मली फिक्स्ड है। जैसे मान लो ये वाला फेस मैंने क्या कर दिया? वर्टिकल वॉल से फिक्स्ड कर दिया। क्लियर हो गया? अब ए मास ऑफ 100 केजी, ए मास ऑफ 100 केजी इज देन अटैच्ड टू ए अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। मतलब ये किसी अपोजिट फेस से 100 केजी अटैच्ड हो। क्लियर? इस 100 केजी मास के अटैच्ड होने से दो अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। ये एक तो ये फोर्सेस लग रहा है और ये वॉल के कारण इसके रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी। क्लियर हो गया? इस क्रॉस सेक्शन के ये जो फोर्स ग्रेविटी फोर्स है वो पैरेलल लग रहा है, तो कौन सा स्ट्रेस होगा? शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्लियर हो? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। शियर स्ट्रेस नाम लेते ही वो चार फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए। पहला, शियर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। शियर स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। इन दोनों में रिलेशन, जी इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। और फोर्थ, डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एल अपॉन ए जी। क्लियर? अपने को डेल्टा वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे यहां से इधर फोर्स ऐसे लगाना तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड होगा, ठीक है। तो अब ये देखो इधर क्या, अगर मैं ऐसे मानता हूं तो ये इस तरह बेंड हो रहा है, तो इसको दिखाता हूं। देखो थोड़ा ऐसे हो गया ना, तो ये हो गया डेल्टा एक्स। ये इसकी एज की लेंथ 0.1 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना। क्लियर हो? और एरिया यहां पे कौन सा लेना है? क्लियर हो? ठीक है, अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो। 100 डेल्टा एक्स इक्वल टू 100 जी मैं 10 ले रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, रफली। और एल क्या है? एल 0.1 मीटर डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 इंटू जी 25 इंटू 10 to power 9। ध्यान से सुनना, ओवल आर में जो भी लिया हूं वो ऐसा यूनिट में लिया हूं, तो डेल्टा एक्स की लेंथ की ऐसा यूनिट क्या में आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी। 0.1 से 0.1 कैंसल, ठीक है, यहां पे इसको कैंसिल कर रहा हूं, ये 8 बना दिया, 25 चौके 100, और ये ऊपर जाएगा तो 10 to power -8, इसमें से ये गया तो 10 to power -7, 4 into 10 to power -7 मीटर। क्लियर हो गया? वर्टिकल डिफ्लेक्शन थोड़ा, ठीक है।